अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। एक वक्त हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंचने वाले अडानी ने खड़ा होना शुरू किया था, धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया था। लग ये रहा था सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन हर दो महीने, हर एक महीने के बाद एक नई रिपोर्ट आ जाती थी और पुरानी रिपोर्ट में भी कुछ नए तथ्य निकल कर सामने आ जाते। ऐसे में अडानी की मुश्किलें कम नहीं हो रही, रुक जरूर जा रही हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे। अब एक और नई मुश्किल अडानी के सामने है और इस मुश्किल से निकलने के लिए अडानी भी हाथ पैर मार रहे हैं। अडानी के लिए लंबे वक्त से एक ऑडिटर के तौर पर काम करने वाली कंपनी अब जांच के दायरे में आ गई। अब इस कंपनी की जांच होने के बाद क्या अडानी से जुड़े हुए कई राज पर्दाफाश हो जाएंगे? ये बड़े सवाल है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें अडानी की कंपनियों के ऑडिटर के तौर पर इस कंपनी ने क्या कुछ किया है वो भी तो सामने आएगा। अकाउंटिंग रेगुलेटर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसने अब अडानी के इस पुराने ऑडिटर कंपनी का भी ऑडिट करने की ठान ली है, जांच करने की ठान ली है। बोलता है हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकरेली। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंटिंग रेगुलेटर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने भारत में ईवाई की मेंबर फर्म एसआर बाटीबॉय के खिलाफ जांच शुरू की। रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसके मुताबिक रेगुलेटर ने फर्म से अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के ऑडिट से जुड़ी फाइलें और कम्युनिकेशन मांगा है। फर्म ने साल 2014 से अब तक की जानकारी मांगी है। ये साफ नहीं है कि NFRA की जांच में कितना समय लगेगा और इसका असर क्या होगा। मई 2023 में अडानी टोटल गैस लिमिटेड के वैधानिक ऑडिटर ने इस्तीफा दिया। ये जानी मानी फर्म नहीं थी। अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध एक दूसरी वैधानिक ऑडिटर कंपनी ने अडानी पोर्ट्स के वित्तीय लेन देन पर चिंता जाहिर करने के बाद इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2023 में एक तीसरे लेखा परीक्षक को लेकर खबर आई, ऑडिटर को लेकर खबर आई। इसका भी इस पेशे में बड़ा नाम इस कंपनी की जांच में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी खुद कर रही है इस कंपनी की जांच, जो अडानी ग्रुप की पांच कंपनियों की ऑडिटर एसआर बाटीबॉय अडानी ग्रुप की पांच लिस्टेड कंपनियों की ऑडिटर है। ग्रुप का आधा रेवेन्यू इन्हीं पांच कंपनियों से आता है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने जनवरी में अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें ग्रुप की अकाउंटिंग पर सवाल खड़े किए गए थे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मार्केट रेगुलेटर सेबी भी हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच कर रहा है। एसआर बाटीबॉय अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर और एसीसी के साथ साथ अंबुजा सीमेंट के ऑडिटर है। साथ ही उसने एक दशक तक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी ऑडिटिंग की है। भारतीय कानूनों के मुताबिक विदेशी ऑडिटिंग कंपनी देश में ऑडिटर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती हैं। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां भारत में स्वतंत्र रूप से कंपनियों के जरिए काम करती हैं, फ्रीलांस कंपनियों की तरह काम करती हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की अकाउंटिंग और ऑडिट पर सवाल उठाए गए थे। इसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। इसका कुल मार्केट कैप 150 अरब डॉलर कम हो गया था। ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उसकी कंपनियों की ऑडिटिंग सर्टिफाइड और क्वालिफाइड प्रोफेशनल करते हैं। मई में अडानी टोटल गैस ने शाह धंधारिया एंड कंपनी की जगह वॉल्कर कैंडोइक एंड कंपनी को ऑडिटर नियुक्त किया। उसी महीने डेल्टॉयल हिस्किंस एंड सन्स ने अडानी पोर्ट्स के कुछ ट्रांजैक्शन पर सवाल उठाए और फिर अगस्त में रिजाइन दे दिया। एनएफआरए का गठन 2018 में किया गया था। अथॉरिटी को जुर्माना लगाने, ऑडिट फर्म और इंडिविजुअल ऑडिटर्स को 10 साल तक प्रतिबंधित करने का अधिकार है। पिछले 5 साल में इसने 40 से ज़्यादा लोगों को प्रतिबंधित भी किया है। एसआर बाटीबॉय पर इससे पहले 2018 में एनएफआरए का सामना इसका हुआ था और इसमें दोनों के बीच ठन गई थी। इस कंपनी की ऑडिटिंग एसआर बाटीबॉय ने ही की थी। पिछले साल रेगुलेटर ने कहा था कि एसआर बाटीबॉय की ऑडिटिंग की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती है और वो इस भूमिका के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है, क्योंकि EYE ने कंपनी के साथ साथ नॉन ऑडिट सर्विसेज भी दी हैं। यानी इस मामले में अडानी के आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कितनी बढ़ेंगी और कब बढ़ेंगी, इस पर अभी पड़ता है।